अल्लाहकुम वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू हैश टैग बन जाऊँ दुल्हन में सो so, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी चैनल पे चल रहा है ब्राइडल सीरीज़ सो इस सीरीज़ का ये सेवेंथ लुक है जो मैंने क्रिएट किया है एंड ये है साउथ इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक आई होप आपको ये मेकअप लुक भी अच्छा लग रहा होगा अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना और मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और अगर आप चाहो तो मुझे मेरी सोशल मीडियाज़ के साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हो उन सारे प्रोफाइल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे होगा आप मेंशन आप चेक कर लेना और इस ट्यूटोरियल पे मैंने जितने भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया है इन सारे मेकअप प्रोडक्ट का जो लिंक है एंड पूरा डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन पर मैंशन होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये गुड वाइब्स का ब्राइटनिंग कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम यूज़ किया है नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये ऑयल यूज़ किया है ये है गुड वाइब्स का ऑयल विथ सिल्वर लिप तो अच्छे से मसाज करते हुए मैं अप्लाई कर लूँगी यस नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एन वाई बे का ये आईब्रो पेंसिल लिया है ये अफोर्डेबल में काफ़ी अच्छा वाला आईब्रो पेंसिल है काफ़ी अच्छा फिनिशिंग देता है ये तो मैं इसे यूज़ करूँगी एक पुली की हेल्प से अच्छे से कॉम कर लूँगी उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का ये पेन स्टिक यूज़ किया है इससे क्या करूँगी मैं अपने आईब्रोज़ की एच को अच्छे से क्लीन करूँगी एंड मैं एज अ आई शैडो बेस भी इसको अप्लाई करूँगी आप लोगों को पता है मैं अपने हर ट्यूटोरियल पे ये करती हूँ क्योंकि इससे आईब्रोज़ की लुक बहुत अच्छा होता है तो सेम कंसीलर को आ, आई आई लिड पर अप्लाई करूँगी एक छोटा सा स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंडिंग कर लूँगी अच्छे से सारे चीज़ों को यस आप देख सकते हो तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे एन वाई बे का ये कॉम्पैक्ट लूँगी और अपने आई लिड को अच्छे से सेट से कर लूँगी उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वर्टन वाइल्ड का रोज इंदी एयर पैलेट लिया है इसमें से ये एकदम लाइट कलर शेड मैंने पिक किया है और अपने क्रीज लाइन पे अच्छे से मैं प्रेस करूँगी एंड ब्लेंड करूँगी एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से आप देख सकते हो उसके बाद मैंने यहाँ पे ये एक डीप ब्राउन कलर शेड लिया है और अपने क्रीज लाइन पे और भी मैं इंटेंसिफाई करने के लिए सप्लाई करूँगी एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से और अच्छे से ब्लेंडिंग कर लूँगी आप देख सकते हो ऐसे इनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में नेक्स्ट मैं यहाँ पे कट क्रीज ड्रा करूँगी मैं यहाँ पे हाफ कट क्रीज ड्रा करने वाली हूँ सेम कंसीलर को मैं यूज़ कर रही हूँ एंड फ्लैट ब्रश के हेल्प से मैं कट क्रिस ड्रा कर लूँगी उसके बाद मैंने ये रेड कलर शेड पिक किया है तो रेड कलर शेड मैं अपनी आउटर वी पे ऐसे प्लेस करूँगी एंड आउटर वी पे फोकस करते हुए मैं ऐसे स्मज में मतलब ब्लेंड भी कर लूँगी ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लैकमे का नाइन टू फाइव जो आई पैलेट है उसे यूज़ उस किया इसमें से गोल्ड कलर शेड को मैं अपने इनर आ, आईलिड पर अप्लाई करूँगी मतलब वन थर्ड आई लिड पर तो एक साथ सारे चीज़ों को अच्छे से स्मच कर लूँगी आप देख सकते हो दोनों कलर को मैं अच्छे से स्मच कर रही हूँ नेक्स्ट मैंने ब्लैक कलर शेड लिख के मैं थोड़ा सा अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ मैं आउटर वी को थोड़ा सा इंटेंसिफाई करने के लिए इसे यूज़ कर रही हूँ एक डोम ब्रश के हेल्प से उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेकवे की का ये लाइनर लिया है ये भी अफोर्डेबल में काफ़ी अच्छा वाला लाइनर है तो मैं एक बेसिक सा विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी आप देख सकते हो और अगर आप लोगों को लाइनर अप्लाई करना नहीं आता है तो इसके ऊपर मैंने फुल डिटेल वीडियो डाला है चेक कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा उसके बाद मैंने यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का पल प्राइमरी यूज़ किया अपने ऑल ओवर फेस पे नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये एम एन का डुअल फाउंडेशन पिक किया है एंड इसे डॉट डॉट करके अपने ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करूँगी ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है बट मैं मतलब थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाता है तो सेट करने के बाद अच्छे से मतलब मेरा शेड का ही आ जाता है तो मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ आप देख रहे हो अभी थोड़ा सा वाइट व्हाइट दिख रहा है बट बाद में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा नेक्स्ट मैं सेम पैन स्टिक को यूज़ कर रही हूँ ओलिविया का ये ओलिविया का पैन स्टिक है तो और जहाँ पे मैं हाइलाइटिंग चाहती हूँ वहाँ पे अप्लाई किया है अंडर आई नोज़ ब्रिज अब नो मतलब पूरा नोज पर एंड जॉ लाइन क्यूपिड वो फोर हेड एंड डैम ब्यूटी ब्लेंडर कहल से मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्टोर स्टिक लिया है और ये एन वाई बे का कॉन्टोर स्टिक है ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है एंड मतलब ये जो ब्राइडल लुक है ये अफोर्डेबल ब्राइडल लुक आप कह सकते हो तो इसको यूज़ किया है ये भी बहुत क्रीमी है मैं दिखाना भूल गई थी तो फिर से दोबारा दिखा दिया तो इसको भी अच्छे से मैं डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लूँगी आपको मैं हर बार बोलती हूँ मेकअप में कॉन्टोरिंग एंड ब्राउजर करना बहुत ज़रूरी है मेकअप मतलब फेस को शार्प एंड स्कर्प दिखाने के लिए बहुत अच्छा लुक टर्न आउट होता है जब आप ऐसे कॉन्टोर एंड ब्रांज़र यूज़ करते हो तो तो मैं भी वही कर रही हूँ मैंने अपने फोरहेड को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड उसके बाद मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ सेम एन की कंसीलर के हेल्प सॉरी एन की कॉम्पैक्ट के हेल्प से अपने फेस को मैं पूरा सेट कर लूँगी ताकि कुछ भी क्रीज ना हो उसके बाद मैंने यहाँ पे फेसिस कैनाडा का ये पैलेट लिया है इसमें से ये ब्राउन्जर शेड लेके मैंने जहाँ पे कॉन्ट्रोरिंग किया था ठीक उसके ऊपर ही मैं सेट करूँगी एंड अप्लाई करूँगी अच्छे से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक आता है इससे मैं अपने नोज़ को भी थोड़ा सा ब्राउन्जप कर लूँगी एंड फोर हेड लाइन को भी मैं ब्राउन्स अप कर लूँगी उसके बाद सेम पैलेट में से मैं ये ब्लश पिक करूँगी तो इस ब्लश को मैं अपने एप्पल्स ऑफ चिक्स पे ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करूँगी आप देख सकते हो कितना अच्छा वाला ब्लश है ये पिंक अंडरटोन का ब्लश है एंड सेम पैलेट में से मैं ये हाइलाइटर भी यूज़ करने वाली हूँ ये हाइलाइटर भी काफ़ी अच्छा है इसमें कोई चंकी ग्लिटर्स नहीं है काफ़ी सटल सा आपको ग्लो देता है एंड इस पैलेट का फ्रेग्रेंस बहुत ही अमेजिंग है गाइस तो मैं अपने फेस के हाइस पॉइंट पे अप्लाई करूँगी जैसे कि फोरहेड नोज मेरी क्यूपिट्स वो चिन एंड मेरी चिक बोन पे भी और सेम हाइलाइटर के हेल्प से मैं अपने ब्राउबोन एंड इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी उसके बाद मैंने यहाँ पे फेसिस कनाडा का ये काजल लिया है इसकी हेल्प से मैं अपने अपर एंड लोअर वाटर लाइन को अच्छे से टाइट लाइन कर लूँगी दोनों आइज़ पे ही एंड या उसके बाद मैं थोड़ा सा स्मज कर रही हूँ एक एंगल ब्रश के हेल्प से एक अम, मतलब ब्लैक कलर शेड पिक करके उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर शेड इसके नीचे अप्लाई किया है एंड गोल्डन कलर शेड थोड़ा सा अपने इनर कॉर्नर की तरफ अप्लाई किया है इसके बाद मैं यहाँ पे आई को कर्ल कर रही हूँ मैं का इनका लेस सेंसेशनल आई लैसेस कर्लर सॉरी लेसेंशनल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ आई एम रियली सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है तो या yeah, इसका दो तीन कोट अप्लाई करके मैंने फेक लैसेस अप्लाई किया है उसके बाद मैंने यहाँ पे फेसिस कनाडा का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है उसके बाद मैंने यहाँ पर एम्सडेम का ये लिक्विड लिपस्टिक लिया है ये पिंक अंडरटोन में है बहुत ही अमेजिंग वाला लिपस्टिक है एंड इस लुक के साथ ये लिपस्टिक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था सो यह गाइज दिस इज़ द एब्सोल्यूट कम्प्लीट लुक आई होप आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा है अगर अच्छा लगता है तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट करके बताना लाइक कर देना वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वेलरी सारे मैंने कुछ ऑनलाइन एंड कुछ ऑफलाइन परचेस किया है तो जितने भी हो सकता है मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो पे तब तक के लिए बाय स्टे हैप्पी अल्लाह हाफिज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना गाइज़ बाय